भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक बड़ा झटका दिया है। आईसीसी ने शुक्रवार को कहा कि आईसीसी पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रक्रिया के तहत इंदौर की पिच खराब है, जिस पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला गया। इस खराब रेटिंग से इंदौर को 3 डीमेरिट अंक मिले हैं और ये अंक 5 साल के लिए सक्रिय रहेंगे। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस बॉर्ड ने अपनी रिपोर्ट को आईसीसी को सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने मैच के अधिकारियों और दो टीमों के कप्तानों से बात करने के बाद उनकी चिंताएं व्यक्त की है। इस आकलन के बाद स्थल को 3 डीमेरिट अंक दिए गए हैं। इस रिपोर्ट को बीसीसीआई के पास भी भेज दिया गया है और इसके खिलाफ अपील करने के लिए बीसीसीआई के पास 14 दिन का समय है। आईसीसी पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रक्रिया में अगर किसी पिच या आउटफील्ड को घटिया माना जाता है तो उस स्टेडियम को कई डीमेरिट अंक झेलने पड़ते हैं। मैच रेफरी द्वारा अगर किसी वेन्यू को औसत से कम रेटिंग दी गई तो उसे 1 डीमेरिट अंक मिलता है, जबकि 3 और 5 डीमेरिट अंक उन स्थानों को दिए जाएंगे जिनकी पिचों को क्रमशः खराब और अनफिट के रूप में रेटिंग मिलती है। बता दें कि 5 डीमेरिट अंक होने पर मैदान 12 महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी नहीं कर सकता है और अगर यह 10 डीमेरिट अंक तक पहुंच जाए तो उस वेन्यू को 24 महीने के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी से निलंबित कर दिया जाएगा। डीमेरिट अंक 5 साल की अवधि के लिए सक्रिय रहेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच तीसरे दिन के पहले ही सत्र में ही खत्म हो गया। इस टेस्ट मैच के दौरान तेज गेंदबाजों ने 4 विकेट जबकि स्पिनर्स ने 27 विकेट लिए थे।